हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिस किचन। अनिस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आ गई है गर्मी और मुझे भी बहुत पसीना आ रहा है और गर्मी में मन करता है कुछ ठंडा सा खाने का। तो आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेकर आई हूँ स्पेशली गर्मियों के लिए। तो वो है मिक्स रायता, जिसमें हम काफ़ी सब्जियों को मिला के उसका रायता बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, खाने में भी मज़ा आता है। खाने में ठंडा ठंडा रहता जो कि आपके पेट को बहुत ही राहत देगा, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ही हमारा पेट गड़बड़ रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। तो अगर हम एक कटोरी ठंडा रहता ही खा लें तो हमारे पेट को काफ़ी राहत होती है और हमारे पेट भी भर जाता है, हमारी पेट पूजा अच्छे से हो जाती है। तो आइए आज मैं आपको सिखाती हूँ मिक्स रायता बनाना। तो उसमें क्या क्या पड़ता है तो पहले देख लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले हमें चाहिए खीरा बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च। फिर चाहिए हमें दही, कम से कम एक या दो होता है। ये है जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये सरसों का तेल। तो सबसे पहले हमें अपने दही को फेंटना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ कि मैंने इस रायते में तड़का नहीं लगाया है, मैंने इसको सिंपल रखा है। आप चाहे तो इसमें तड़का लगा सकते हैं। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे हींग और जीरा मैंने यूज़ किया है, मतलब मैंने आपको बताया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया है। तो अब हम डालेंगे इसमें खीरा, हमने दही को फेंट लिया है, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, धनिया हम बाद में डालेंगे। फिर ये है काला नमक, मैंने यहाँ पे काला नमक यूज़ किया है। और ये है लाल मिर्च पाउडर। तड़के के लिए आप यहाँ पे हींग और जीरा आप इसमें इससे तड़का लगा सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में, बट मैंने यहाँ पे तड़का नहीं लगाया है। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ, बट मैंने आपको यहाँ पे सामान दिखाया कि आप हींग और जीरा से आप इसमें तड़का लगा सकते हैं। मैंने इस रायते को यहाँ पे सिंपल रखा है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आपको तड़का लगा रायता पसंद है तो आप इसको तड़का लगा के भी खा सकते हैं। ये दोनों तरह से अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए हमारा रायता एकदम तैयार है बनके बिल्कुल खाने के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।